भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने यूक्रेन से वापस लौटे पटना सिटी के छात्रों के घर जाकर उनसे मुलाकात की। श्री यादव ने बताया कि यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सकुशल वापस लाने के लिए केंद्र सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के 13 बच्चे बच्चियां यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसमें से अधिकांश लोग वापस आ गए। एक शिवांगी का अभी तक आने का क्रम नहीं बन पाया है, हिंदी में बढ़ा रही वहाँ युद्ध की स्थिति है, उसी के वापस आने की कोई सूचना नहीं है। परिवार का संपर्क उससे है, मैंने सही परिवारों में मिलने का तय किया था, 10 परिवारों से मैंने दूरभाष पर बात की है और आज 7 परिवारों से व्यक्तिगत उससे जाकर के मैं मिला हूँ। भारत सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि जो बच्चे बच्चियाँ वहाँ से वापस आई हैं तो उनकी शिक्षा बाधित नहीं हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग होमवर्क कर रहा है कैसे इन बच्चे बच्चियों को भारत में ही किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जा सके।